चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 4 साल जाएगा वहां से, हम क्या करें गुरुआ का, 17-18 साल की नौकरी लगी। वो केला स्थान का भाजपा का बोला मेरे यहाँ चौकीदारी करेगा, सेना आगे चौकीदारी करेगी उसकी। अरे 21,000 रुपए तनखा बताई ना एक महीने की, 21,000 रुपए में एक लड़का एक महीने में खा जा भर्ती की तैयारी में। विरोध करेंगे पूरा अड़के और आखिरी लोग करेंगे, वापस लेना पड़ा। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा सापर में है। यहाँ पर रालोद के द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ महापंचायत का ऐलान हुआ है और आज पंचायत भी हो रही है। तो हम यहाँ पर कुछ युवा जो मुजफ्फरनगर से ही आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस पंचायत में इस योजना का क्यों विरोध कर रहे हैं। जी आपका नाम? ऋषभ बालियान। जी आप क्यों इस पंचायत में और क्यों इस योजना का विरोध कर रहे हैं? बेरोजगार है, सारे कोर्स कर रखे, पढ़ा लिखा भी कोई नहीं कहता भाई, पढ़ा लिखा नहीं है, सारी पढ़ाई कर रखी फिर भी बेरोजगार। 3 साल तक आर्मी की तैयारी में लग रहे थे, आपके हिसाब से क्या कमी इस योजना में लग रही है? जो फौज पहले ऐसी होनी चाहिए जैसे पहले था वैसे होना चाहिए, जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें रिटायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, और उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस योजना के बारे में, और मतलब जैसे संख्या में आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों उसके लिए आए और कहां-कहां से जो है युवा यहां पे इस पंचायत में शामिल? ये गलत है जी, 4 साल में क्या कर सका था मैं, बताओ 4 साल जाएगा वहां से, हम क्या करें गुरुआ का, 17-18 साल की नौकरी लगी, 22 साल का करो आगे ब्याह का भी होगा, 22 साल का तो ब्याह भी नहीं होता। तीनों सेनाओं के कह दिया मोदी का, उसमें बोला कहाँ का डकी, कहाँ का डकी है पहले भाजपा का बोला मेरे यहाँ चौकीदारी करेगा, सेना आगे चौकीदारी करेगी उसकी। जो लाला लोग है बड़े बड़े उनकी सरकार है, बताओ किसको किसान की एक बात कहेगा मोदी ने, किसने सुनी हो मोदी का मुंह था किसान? चौकीदारी करवाऊंगा, वो इसका डायलॉग था, मैं चौकीदार तुम चौकीदार, यो मैं भी चौकीदार बनाऊंगा 4 साल के लोग, ऐसा काम नहीं करने के भाई, किसान के बालक का मुंह उठा के जिया सारी जिंदगी, माँ भी मुंह उठा गई, मुंह चुप पर रहा इनकी हमेशा भाई, यह सबसे बड़ी बात है। विरोध करेंगे पूरा अड़के और आखिरी लोग करेंगे, वापस लेना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम फरमील है, गाँव कोयला भाई। मैं इसका विरोध करूं सरकार का, हमारी आर्मी 50% टेक्निकल है, 6 महीने में एक छोला भी तैयार नहीं होता, टेक्निकल तो बहुत दूर है, 50% टेक्निकल है हमारी आर्मी, 6 महीने की ट्रेनिंग में वे क्या कर सके जवान, वे जाकर 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद भी 6 साल लोग ताली बांधने पकड़ाते हैं, जब जाके एक जवान तैयार होता है ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे के और 4 साल में घर भेज देगा, वो जवान क्या करेगा घर आकर, वो घर का रहेगा ना उसका रहेगा। तो मेरा तो ये ठड़ा विरोध है इस मोदी से, ये मोदी इस देश को बर्बाद कर देगा। 6 महीने में उस टेक्निकल, हमारे देश में 50% टेक्निकल फौज है और उस 50% में क्या करेगा, 6 महीने में बंदूक खोलने भी सीख नहीं पाओगे, एक जवान अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे बॉर्डर पर जाकर। ये जो योजना निकली अगली पत्र योजना, क्या आप अपने बच्चों को इस सेना में भेजोगे? नहीं भेजे, हम अपने बच्चों को भेजे नहीं, यहाँ अपना मजदूरी कर खा लगे हम भेजे कभी, इसका विरोध करके सरकार का, इसकी जड़ फेंक फाड़ कर, इनकी जड़ फाड़ के फेंकनी भाई सरकार ने, आने वाले 24 में हमने वोट दिया कि हमने गलती कर रखी, हमारे युवाओं ने हमने 21,000 रुपए तनखा बताई ना एक महीने की, 21,000 रुपए में एक लड़का एक महीने में खा जा भर्ती की तैयारी में, और रही बात भाई 11 लाख रुपए की, 11 लाख रुपए का जो लॉलीपॉप दिखा रहे ना ये सबसे गंदा है, किसान का और गरीब का बालक जाम फौज में, एक गरीब बस है द्वारा मकान भी नहीं होता और 11 लाख में मकान भी नहीं खरीद सकता, ये क्या कर रहे बिजनेस की बात करने की, अब बिजनेस जोड़ लियो। अभी हम यहाँ पंचायत में हमने कुछ युवाओं से बात की है, तो इनका कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं का बिल्कुल विरोध है और हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे और यह आंदोलन चलता रहेगा। जुड़े रहे सीसी के साथ, धन्यवाद।